मित्रों, मैं आज आपसे दो विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज राज्यसभा में राज्यसभा के उपनेता नेता प्रतिपक्ष ने एक भाषण में कहा कि 20 तारीख की घटना आसंदी की गलती के कारण हुई है। आसंदी को घसीटना ये कभी उचित नहीं होता है। मैं इसकी निंदा करता हूं, इसको अनुचित है ऐसा बताता हूं। उन्होंने 20 तारीख की घटना की आलोचना करने की बजाय आसंदी को घसीटने की कोशिश की, ये उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ उनकी गलती को बताने की बजाय आसंदी की गलती बता करके सदन का बायकाट करने की घोषणा की है, ये भी उचित नहीं है। मैं उनसे अपील करता हूं कि आसंदी का सम्मान करते हुए वो अपने निर्णय को वापस ले, हाउस में आए, चर्चा कराए। आसंदी ने नियमानुसार कार्रवाई की थी, आसंदी ने विधिवत कार्रवाई की थी। ये प्रोसीडिंग्स है, ये सब ने देखा है। मेरा भी 35 साल का संसदीय अनुभव 20 तारीख की घटना जैसी घटना मैंने पहले कभी भी नहीं देखी, न विधानसभा में देखी, न लोकसभा में और न राज्यसभा में। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस स्थिति में आसंदी को दोषी करार देना ये उचित नहीं है। दूसरी बात, कुछ माननीय सदस्यों ने इनके निलंबन को, 8 माननीय सदस्यों के निलंबन को समाप्त करने का सुझाव दिया है, अनुरोध किया है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार को खुशी होगी यदि ये 8 निलंबित माननीय सदस्य बिना शर्त के माफ़ी मांगे। हम अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो आसंदी से निवेदन करेंगे कि उनके माफीनामे पर विचार करके उनका निलंबन समाप्त करें। धन्यवाद। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.